सभी जानते हैं कि आज हमारा जन्म दिवस है, पर सच तो ये है कि आज जन्म हुआ है रॉय चौधरी खानदान के सबसे बड़े बेटे अनिरुद्ध का, जो लंदन की बैरिस्ट्री को ठोकर मार के यहां हमारी जमींदारी संभालने आया है। ले ले अनिरुद्ध, जमींदारी तुम्हारी। अनिरुद्ध क्या करने आया है ये मुझे पता है। दान, अनिरुद्ध ये लो, लॉ फर्म के पेपर्स। आज से 2000 स्क्वायर फीट का शानदार ऑफिस अनिरुद्ध के नाम, वो भी लंदन में। अनिरुद्ध, तुझे बताया नहीं अनिरुद्ध ने अचानक यहां आने का कारण? मैं तो जानती हूं, अभी सबको पता चल जाएगा कि वो किस लिए आया है। अनिरुद्ध, तुम्हारे मन में अगर हमारे लिए जरा भी मान सम्मान है तो अभी के अभी इन कागजों को फाड़ के फेंक दो या जला दो। याद रखो अनिरुद्ध, तुम रॉय चौधरी खानदान के हो, तुम्हें आदेश देने हैं, मानने नहीं। बहुत हो गया दादा, बहुत हो गया। अनिरुद्ध का भविष्य लंदन में ही है। भविष्य, घर बार जमीन जायदाद सब यहाँ पे है। अनिरुद्ध, तुम्हें जमींदार ही बनना है। नहीं, अनिरुद्ध लंदन में ही बैरिस्ट्री करेगा। अनिरुद्ध, तुम जमींदार ही बनोगे। दादा, मैंने कह दिया कि लंदन में ही बैरिस्ट्री करो। अनिरुद्ध, जमींदार ही बनना। मैंने कह दिया ना दादा। बस कीजिए आप दोनों लड़ना, आप दोनों का अधिकार है मुझ पे, पर क्या मेरा खुद पे कोई अधिकार नहीं? क्या मैं खुद के लिए निर्णय नहीं ले सकता कि मैं क्या करना चाहता हूँ? काका, मैं यहां जमींदारी और जायदाद संभालने नहीं आया हूं। और बाबा, मैं लंदन में बैरिस्ट्री भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो तुम यहां आए क्यों? आया नहीं अभी तक पत्र का जवाब। कितना अच्छा होता ना माँ, जो डाकिया काका को पंख होते तो तुरंत संदेश इधर से उधर पहुंचा देते। क्यों, तेरा कौन सा संदेश आना है? वो दुग्गा माँ को पत्र भेजा था ना। दुग्गा माँ? दुग्गा माँ को क्यों? आपको उनकी बहुत याद आती है ना, तो मैंने लिखा कि वो आपसे मिलने आ जाए या आपको बुला ले अपने पास। चुप। अब ऐसे ही कह दिया होगा बहुदी। देख, ये दुग्गा माँ की मूर्ति है, जब भी ससुराल में मेरी जरूरत पड़े तो इनसे कह देना। इनसे क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान क्या करते हैं माँ? हमारा ध्यान रखते हैं। जब भी हम लोग सोते हैं ये जागते हैं, जब भी हम दुखी रहते हैं ये हमें हंसाते हैं, और जब भी हम गिर जाते हैं ये हमें उठाते हैं। ऐसा तो तू भी करती है, तू भी भगवान है। तो ये देवी माँ संपूर्णा दीदी को दे दे, क्योंकि मेरे पास तो मेरी माँ होगी। मामी, मैं भी कहती हूँ कि आप संपूर्णा दीदी के साथ ससुराल चली जाओ। माँ क्यों जाएगी ससुराल मेरे साथ? संपूर्णा को पता है कि उसके बाबा को कौन संभालेगा, पर तेरे बाबा तो है नहीं जो तू समझेगी। मैं सब समझती हूँ। बस ये समझ में नहीं आ रहा
के जानू कैसे मेरा पत्र मिला कि नहीं मेरे होने वाले पति को? मामी भी तो नहीं निकलने दे रही है घर से, करूं क्या? बाबा वो लंदन में एक दिन। अरे मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, अरे कोई बचाओ ना मुझे, कोई बचाओ। सोमनाथ, सोम छोड़ो इसे, सोमनाथ चुप रहो। ऐसी क्या गलती कर दी जो इंसान और जानवर का भेद भूल गए हो तुम? आइए काका आइए। जिस मटके में हमने ऊंची जात वालों के लिए पानी भरा था, किसने उससे पानी पिया है? नहीं पीता तो प्यासा मर जाता मैं। अरे मर जाता तो मर जाता ना, मर जाता, मर जाता, मर जाता। सोमनाथ खड़े रहो, यही खड़े रहो, चुप। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। अनिरुद्ध सोम, पार्टी में अंदर चलो। ऊंची जात वाले का पानी पीने का दंड मिलेगा उसे। पानी पीने के लिए दंड बाबा? हाँ पानी पीने के लिए। हाँ, गांव में काले का दंड। और हमारा जो धर्म भ्रष्ट हो गया यहाँ, उसका क्या? पवित्र ना करानी होगी ये जगह। बिहारी गंगा जल छिड़कवाओ, होम हवन करवाओ यहाँ पर, और हाँ उसका छुआ हुआ सारा पानी फिकवा दो। काका उसने बस दो घूंट पानी पी लिया, इसलिए पूरा पानी फिकवा रहे हैं आप? उसका छुआ हुआ पानी कौन बड़ी जाति का पिएगा? काका बड़ी जात कौन है यहाँ? हम है बड़ी जात, ब्राह्मण। तो मुंशी काका आप कौन सी जाति के हैं? मैं भी ब्राह्मण ही हूँ छोटे मालिक। तो आप हमारे बराबर हुए ना? दिमाग सड़ गया है तुम्हारा बैरिस्टर करके? ये मुंशी हमारी बराबरी का कैसे होगा? है ब्राह्मण और हम ऊंचे कुल के हैं। आप कौन सी जाति से हैं? वैश्य। कौन से कुल से? हम क्षत्रिय से तो नीचे हैं, ये वैश्य। बिहारी तुम हमारी सारी चीजें छू लेते हो, तो तुम्हारे परछाई पड़ने से इस घर को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो क्या तुम भी ब्राह्मण हो? जीता जी नरक काहे भेज रहे हैं अनिरुद्ध बाबू, हम अगली जाति से नहीं है। अरे हम तो आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है मालिक। इतनी जातियां इतने कुल, समस्या नहीं होती याद रखने में किसका पानी पी सकते हैं, किसका छुआ नहीं खा सकते, भूल नहीं होती याद रखने में आप लोगों को। इतने कुल, इतने वर्ण, इतनी जाति में बांट दिया है सबको कि सामने बस जाति दिखती है, इंसान नहीं। और इसका फायदा ये बाहर वाले फिरंगी उठाते हैं जिनका मंत्र ही है फूंक डालो और राज करो। What is he saying? Let's go. No. He does not mean that. माफी मांगो अफसर से। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, सदियों से चल रही है ये जाति व्यवस्था। जो गलती सदियों से चली आ रही है जरूरी है कि जारी रखे काका? जरूरी है जरूरी। इस तरह कोई सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदल सकता, कोई नहीं, ना हम ना तुम। बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं ना काका, क्योंकि इसी बदलाव के लिए आया हूँ मैं, इसी बदलाव के लिए। Oh,
माँ गहने रखना भूल गई तू? भूली नहीं, तेरे बाबा कल जा रहे सुनार के पास तेरे और बोंदिता के लिए गहने लाने। मामी, मामा जी मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या फिर संपूर्णा दीदी से? मामा जी किसके लिए सबसे बड़ा हार लाएंगे, मेरे लिए या दीदी के लिए? संपू, लग गया क्या मामी? चुप कर, मैं ही जाऊंगी सुनार के पास गहने देखने। देखने से याद आया मामी, क्या होगा जब डाकू लुटेरे तुम्हारे हाथों में गहने देखेंगे? डाकू लुटेरे बहुत दुष्ट होते हैं, गहने ना दो तो गर्दन ही। चुप कर। आप कहो तो दीदी और मैं आपके साथ चलेंगे, मैं किसी से नहीं डरती। मालूम है, बात भी सही है, अगर संपूर्णा और ये मेरे साथ सुनार की दुकान पर चले तो किसी को संदेह भी नहीं होगा कि कहने लेकर मैं आ रही हूँ। सुन, कल तू और संपूर्णा तैयार हो जाना, हम चलेंगे सुनार के पास। अब कल जान लूंगी कि क्या उत्तर दिया है पत्ते का मेरे होने वाले पति ने। कल रात जो पार्टी में हुआ उससे सब बहुत नाराज हैं। तो नाराज करते क्यों हो? ऐसे सुबह सुबह सबसे मुंह छिपाए क्लब तो नहीं जाना पड़ता। दिल का हाल तो सुना दिया, अब दिल में जो है वो करना चाहता हूँ। तो करो, रोका किसने है? तुम जानना चाहती थी ना कि मैं अपने देश वापस क्यों लौटा? जानती तो हूँ, पर अच्छा लगेगा जब तुम कहोगे। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ मिनी। सोच बदलने मिनी। आज पूरा हिंदुस्तान संग्राम पर है, सब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, पर क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं कि हम हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंके? बस इसी बदलाव के लिए आया हूं मैं, इसी बदलाव के लिए। जानता हूं तुम यही कहोगी ना कि राह आसान नहीं होगी अनिरुद्ध, पर अब ठान ही लिया है कि पहाड़ तोड़ना है तो पत्थरों से सर तो टकराएंगे ना मिनी, और मैं हर पत्थर से टकरा लूंगा। बस चाहता हूं कि तुम साथ हो, साथ दोगी ना मेरा? हाँ मिनी। मुझे लगा तुम विवाह करके विलायत ले जाने वाली हो मुझे, पर जानिए कौन सा देश बदलने का भूत सवार हो गया है तुम पे अनिरुद्ध। मिनी, अनिरुद्ध बाबू। सौरभ, गुलदस्ता लिए क्लब में मंगेतर से मिलने जा रहे हो क्या? क्या अनिरुद्ध बाबू। सौरभ, सिर्फ अनिरुद्ध। रहने दीजिए ना, चाहूंगा तो भी मुंह से निकलेगा नहीं। वो क्या है, दोस्ती में बराबरी और मंगेतर से मिलना, ऐसे सौभाग्य सिर्फ विलायत में मिलते होंगे। यहाँ तो मैं विवाह से पहले अपनी मंगेतर की सूरत भी देख पाऊं तो चमत्कार हो जाए। वैसे मैं बड़े मालिक के काम से जा रहा था। क्या कहा तुमने जी? क्या कहा तुमने? बड़े मालिक के काम? नहीं नहीं नहीं, तुमने कहा कि जिससे तुम विवाह करने वाले हो उसे तुम कभी मिले नहीं, उसे कभी देखा नहीं तुमने, उसका चेहरा नहीं देखा कभी? नहीं। जिसे तुम जानते नहीं, समझते नहीं, पूरी जिंदगी बिता पाओगे उसके साथ? हमारे पिताजी, उनके पिताजी, सबका विवाह ऐसे ही हुआ है।
और अनिरुद्ध बाबू, परंपराएं बदलती हैं कभी। सौरभ, बड़े से बड़े बदलाव एक छोटे से सोच से शुरू होते हैं। माफ कीजिए अनिरुद्ध बाबू, पर मुझमें आपकी जितनी हिम्मत नहीं है। जो लोग खुद बदलना नहीं चाहते उन्हें क्यों बदलने चले हो अनिरुद्ध? कोई नहीं, हो जाने दो एक बार विवाह, तुम्हारे सर से भूत उतार कर रहूंगी मैं। अच्छा, कभी देखा नहीं, मिले नहीं, पर नाम तो जानते हो ना? या नाम भी? संपूर्णा, संपूर्णा नाम है उसका। बोंदिता, देखना यार, अच्छा लग रहा है ना मुझ पे? क्या देख रही है तू बाहर? देखना इधर। कुछ नहीं, ये हाल बहुत अच्छा है, है ना? इसमें जल्दी नथ कितने प्यारे हैं। चल डाकखाने में जाकर पूछते हैं कि ये नथ आते कहाँ से हैं। डाकखाना छोड़, ये हार पसंद है तुझे? हाँ नहीं, मुझे चेक पसंद है। अरे मैं इस हार की बात कर रही हूँ, पसंद है तुझे? तू रख ले। क्या हार? क्या? हाँ, वो हार गई मैं, इन दोनों का प्यार देख के हार गई। सवाल हार जीत का नहीं, पर कोशिश भी ना करना, उससे विवाह करना जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, गलत नहीं होगा मिनी। तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की हो और तुम किसी और के बारे में सोचते रहो, गलत नहीं? अपने दिल की बात कहो ना ओनी। दिल की ही तो कह रहा हूँ मिनी, दिल दुखता है अपने देश में ये सब देखकर। ओफो, तुम तो ऐसी बातें करो जैसे पहली बार देखा सुना हो। तुम्हारा जन्म लंदन में हुआ था? नहीं, यही हुआ था, पर तब मैं छोटा था मिनी। 10 साल की उम्र में मैं लंदन चला गया और वहां जाकर समझ आया कि एक और दुनिया है जहां जात पात, लड़का लड़की में भेद नहीं किया जाता, सब एक बराबर हैं, एक समान हैं। अब तो डर लगता है कि संपूर्णा से भी पूछा होगा उसकी मर्जी है विवाह के लिए या नहीं। हंस क्या रही हो? चुटकुला सुनाया मैंने। चुटकुला नहीं था, मर्जी। यहाँ प्रश्न चाहे जो भी हो, लड़कियों का जवाब सिर्फ एक होता है, हाँ। तो तुम तैयार हो जाओगी विवाह करने के लिए किसी भी ऐसे वैसे लड़के से जिसे तुम्हारे लिए तुमने नहीं, तुम्हारे बाबा ने पसंद किया हो? हाँ, कर लेती। मेरी और उनकी पसंद अलग है क्या? ये हार बहुत भारी है, मैंने पहना तो मेरी गर्दन ही झुक जाएगी। चलो, किसी कारण तो झुकेगी कुलनाशिनी की गर्दन। और संपूर्णा, उसे भारी गहने की आदत नहीं है ना, हार निकाले, उसके लिए हल्के गहने ही दिखाइए। दीदी, क्या है? तू मामी को उठा कर रख लेगी ना? मुझे डाट खाने जाना है। डाट खाने? डाट खाने नहीं, डाक खाने। आज्ञा लिए बिना डाक खाने जाएगी तो डाट नहीं खाएगी? वैसे क्यों जाना है तुझे डाक खाने? मेरे पत्र का जवाब आने वाला है। कौन से पत्र? पहले जवाब तो आने दो, तभी तो बताऊंगी। डाट नहीं खा सकती तो मेरे लिए? वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं मामी की डाट खाने को। ठीक है, तू जा, मैं संभाल लूंगी, पर जल्दी आना, ठीक है? विवाह है हमारा, ऐसे खुले में घूमना सही नहीं होगा। ठीक है, जा। दूसरा कुछ दिखाइए ना। अच्छा वाला कान का दिखाना। डाकिया काका। हाँ बोलो। मेरे होने वाले पति को दे दिया मेरा पत्र, भूल गए क्या मुझे? रुकिए, ये पत्र मेरी सास से भी ज्यादा जरूरी है, ये पत्र पहुंचाना। ऐसा समझा कि ये पत्र नहीं, मेरी विवाह की डोली है। अच्छा, वो पत्र? हाँ। अरे बिटिया, वो पत्र तो मैंने पहुंचा दिया था। अच्छा, तो दीजिए मेरे पत्र का जवाब वाला पत्र। उसका जवाब मेरे पास कहाँ से होगा? मेरा काम होता है उस पत्र को दूसरे डाकघर पहुँचाने का, और उसको आगे पहुँचाने का काम वहाँ के डाकिये का होता है ना। वहाँ का डाकिया? मैं तो उन्हें जानती ही नहीं, तो फिर मेरे पत्र का जवाब कैसे मिलेगा मुझे?
अनिरुद्ध बाबू, आपके लिए इंग्लैंड से चिट्ठी आई। सारी लड़कियां और ये सही रहेगा। बोनिता कहाँ है? यही कहीं होगी माँ। यही कहीं होती तो दिखाई नहीं देती। आप यही रुको, मैं देख के आती हूँ वो कहाँ गई। तू रुक, मैं देखूंगी कि ये बोंदिता की बच्ची क्या खिचड़ी पका रही है। मेरा विवाह कैसे होगा अगर जवाब ना मिला तो? अरे बिटिया, तुमने पत्र में ऐसा क्या पूछा कि जवाब ना मिला तो तुम्हारा विवाह ना होगा? विवाह करने की दो शर्तें रखी है मेरे होने वाले पति के आगे। अच्छा, अब जान लूंगी कि मेरी शर्तें मानी है उन्होंने, तभी मैं विवाह करूंगी ना उनसे। लड़की हो के तुम विवाह करने की शर्तें रखती हो? रखनी ही पड़ी। विवाह छोड़ सकती हो पर मां नहीं। तात्या काका, आप मुझे अपने साइकिल पर मेरे होने वाले पति के घर छोड़ दीजिए। बड़ी मुश्किल से मामी को समझदार कहकर बेवकूफ बनाया है। अरे अरे मिनी दिखाओ ना। दिखाओ। ये पकड़ो, ये पकड़ो। ये किसकी चिट्ठी है ये तो बता दो। दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की की चिट्ठी है ये। बेवक दिखाओ। दिखा, अरे मिनी मेरे होने वाले पति। जवाब ये बेवकूफ मामी देगी। साहस कैसे हुआ तेरा अपने ससुराल में पत्र भेजने का? और भेजा तो भेजा, लिखा कैसे? लिखना पढ़ना तो तुझे आता है नहीं? सुन ले बोंदिता, अगर रिश्ता टूटा तो साथ टूटेगी तेरी टांग। कान पकड़ ले, माफी मिल जाएगी बोंदिता। माफी नहीं, मुझे जवाब चाहिए अपने पत्र का, वरना बोंदिता की डोली खाली जाएगी उसके होने वाले पति के घर। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.